दिल्ली हिंसा मामले में 150 गाड़ियों की पुलिस ने की पहचान। पुलिस ने 3500 दंगाइयों की तस्वीर जारी की है। किसान नेताओं के चक्काजाम के दावों की निकली पोल। हवा, पंजाब और हरियाणा के कुछ शहरों को छोड़कर फ्लॉप रहा आंदोलन। चक्काजाम में नहीं दिखे किसान संगठनों के बड़े नेता। दिल्ली पुलिस ने आईटीओ से 60 लोगों को हिरासत में लिया है। किसान नेताओं ने मना करने के बावजूद भी दिल्ली में कुछ लोग चक्काजाम करने की कोशिश कर रहे थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने चक्का जाम को शांतिपूर्वक प्रदर्शन बताया। 2 अक्टूबर तक गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहने का दिया ऐलान। चक्का जाम के दौरान टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ आंदोलन करने का किया ऐलान। प्रदर्शन में शामिल होने वालों के आधार कार्ड या फिर 5 गारंटर लेकर आने बोला। टिकैत के अक्टूबर तक आंदोलन चलाने वाले बयान से सिंघू और टिकरी बैठे पर बैठे किसान नेता हुए नाराज। टिकैत के बयान से किसान आंदोलन हो रहा है कमजोर। किसान चक्काजाम के दौरान लुधियाना में दिखा खालिस्तानी आतंकी झंडा। किसानों के ट्रैक्टर पर लगा दिखा भिंडरवाला का झंडा। चक्काजाम के दौरान भिंडरवाले का झंडा लहराने पर राकेश टिकैत का बयान। कहा आंदोलन में ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब के किसानों से बात करने पर भी दिया भरोसा। दिल्ली में चक्काजाम को देखते ही एहतियातन 10 मेट्रो स्टेशन बंद। दोपहर 3 बजे के बाद खोले जाएंगे सभी मेट्रो स्टेशन। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर बोला हमला। उन्होंने ट्वीट कर कहा क्यों डराते हो डर की दीवार से। 12 फरवरी से राजस्थान में 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी। किसान की रैली को राहुल गांधी कर सकते संबोधित। रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जाएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अस्पताल और कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। रविवार को पीएम मोदी असम और बंगाल का दौरा करेंगे। सोनतीपुर और आसोमाला कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। तो वह बंगाल में एलपीजी टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। नदिया में जेपी नड्डा के परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाएगी परिवर्तन यात्रा। नदिया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में उमड़ी भीड़। कहा सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं ये विचार को परिवर्तन। ममता सरकार पर जेपी नड्डा का तीखा हमला। नड्डा ने ममता राज को तानाशाही बताया। कहा बंगाल में ममता जाएगी और कमल खिलेगा। नड्डा के ममता पर सरकार पर दबाव बनाने के 10 साल को लूटने का लगाया गंभीर आरोप। पुलिस और अपराधीकरण और राजनीतिकरण का भी नड्डा ने लगाया गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। नड्डा ने कहा बंगाल की जनता ने दीदी को नमस्ते करने का मन बना लिया। बंगाल के जेपी नड्डा के किसान के घर खाया खाना। ममता पर लगाया किस करने का गंभीर आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के प्रशासनिक फेरबदल। ममता ने 22 आईपीएस अधिकारियों समेत 24 अधिकारियों को किया तबादला। जम्मू कश्मीर के हिमाचल में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट। एनआईए कोर्ट में जारी किया वारंट। पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन ने भारत में की घुसपैठ की कोशिश। गश्त कर रहे जवान ड्रोन पर कर रहे फायरिंग। जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकियों की सुरक्षा कर्मियों पर किया हमला। 1 जवान हुआ घायल। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। यूपी नंबर के कार्स के साथ पकड़ा गया था आतंकी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने 11 लाख रुपए दिए दान। पटना में ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों को दिया चेक। हिंदुस्तान की बात में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद के विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बताया। कहा रैपिड रेल के साथ स्काई बस चलाने वाला पहला शहर बनेगा गाजियाबाद। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 किलो 300 ग्राम सोने के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जब्त की गई सोने की कीमत करीब 1,14,00,000 रुपए। महाराष्ट्र के पालघर में नौसेना अधिकारी को जिंदा जलाया। अस्पताल में हुई मौत। बदमाशों ने चेन्नई एयरपोर्ट से अगवा कर वारदात को दिया गया अंजाम। नई मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरा दिव्यांग। आरपीएफ जवानों की मुस्तैदी पर बची दिव्यांग की जान।
महाराष्ट्र के नासिक में सुभाष रोड पर घरों में लगी आग, 5 घर जलकर हुए राख। रविवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रतियां करेंगे जायजा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान, 3 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं, 4 से 22 मई तक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, क्रॉस फायरिंग में एक सिपाही हुआ घायल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड अस्पताल में छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, कई राउंड हुई फायरिंग, मौके से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती कार में बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। यूपी के देवरिया में एक शख्स के ऊपर से गुजरी बस, हादसे में शख्स की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। आगरा में प्रेमी जोड़ा पर टूटा तुगलकी फरमान का कहर, प्रेमी को गंजा कर जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट भी की गई। आगरा में मानव तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, 2 महिला समेत 11 लोग गिरफ्तार, गुमराह कर लाई गई थी 3 लड़कियों भी हुई बरामद। मध्य प्रदेश के कटनी में लाभार्थी के घर सीएम शिवराज ने खाना खाया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संजय पाठक भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी की हत्या के मामले, ग्वालियर के पुलिस नोएडा पुलिस की छापेमारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडौली में नवजात के मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज, नाबालिग को बहला फुसका कर निकाह करने का आरोप, पुलिस ने नाबालिग को परिजन को सौंपा। बिहार के अररिया में 6 साल के बच्चे को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाया, फिरौती में दी गई 1,85,000 रुपए के साथ गिरफ्तार। सड़क हादसे के शिकार लोगों की जान बचाने पर हेमंत सरकार की अनोखी पहल, घायल को अस्पताल तक पहुंचाने और 2,000 तक का इनाम मिलेगा। राजस्थान के अलवर से पुलिस ने लूटे गए ट्रक के साथ 3 को किया गिरफ्तार, गुजरात से ट्रक को लूटकर अलवर में बदमाशों ने छिपा रखा। रंगकर्मी पद्मश्री वंशी कोल का दिल्ली के द्वारका में निधन, 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, कई दिनों से बीमार चल रहे थे पद्मश्री वंशी कोल। तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और ऑस्कर विजेता प्लमर का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। शादी के बाद एक्टर वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल की तस्वीरें हुई वायरल, बोल्ड लुक में नजर आई नताशा। जैकलीन फर्नांडिस ने खरीदा प्रियंका चोपड़ा का पुराना घर, 7 करोड़ अदा कर जैकलीन बनी घर की मालकिन।